सो भैया लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि एन्यूटी का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे पता लगा एन्यूटी क्या होता है। इस वीडियो में समझेंगे कि एन्यूटी की ट्रिक्स क्या होती है, कि भैया एन्यूटी को 30 सेकंड के अंदर कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करें। आइए, लेकिन उससे पहले फॉर्मूला भी समझ लेते और वापस से रिवाइज कर लेते एन्यूटी क्या होता है। बोलिए, एन्यूटी एन्युअली इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर, मतलब ड्यूरेशन भी फिक्स होना चाहिए और पैसा भी फिक्स होना चाहिए। कितनी चीज होती है? दो, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर में मिलने वाला पैसा इस फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट में मिलने वाला पैसा इस प्रेजेंट वैल्यू। कीवर्ड्स क्या है? लोन, बोरोइंग, प्रेजेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट, सिंगिंग फंड, फ्यूचर वैल्यू। इनके भी दो दो बच्चे। कौन कौन भैया? ड्यू और ऑर्डिनरी। ड्यू मतलब क्या होता है? अगर बोला स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, या फिर क्वेश्चन में स्टार्टिंग है तो ड्यू, क्वेश्चन में बोला है एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, या फिर क्वेश्चन में ना एंड बोला है ना ही स्टार्टिंग बोला है तो क्या लगाते हैं? ऑर्डिनरी या फिर नॉर्मल। बोलो भैया हाँ या ना? हाँ सर, ये बात तो बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अब इनके फॉर्मूले की बात करते हैं एक मिनट के अंदर, फिर अपन आगे बढ़ेंगे हमारे ट्रिक की तरफ। सबसे पहले देखो, मैंने हर जगह भी सेम फॉर्मूला लिखा है। ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आई ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आई। सबसे पहली बात, मैंने लास्ट में कहा था ड्यू में आपको ज्यादा पैसा मिलता है क्योंकि स्टार्टिंग होता है तो आपको ज्यादा फायदा होता है। तो ड्यू के अंदर अपन मल्टीप्लाई करते हैं वन प्लस आई को। किसको मल्टीप्लाई करते हैं? वन प्लस आई को। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हर बार करेंगे? करेक्ट, जब भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग देकर रखा हुआ होगा तो ड्यू के अंदर अपन 1 प्लस आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और बात समझते हैं यहाँ पर भैया, प्रेजेंट वैल्यू फायदा है या नुकसान है? सर नुकसान है ना, हमें ब्याज देना है, मुझे इंटरेस्ट पे करना है, तो इसीलिए मेरा प्रेजेंट वैल्यू में जो एन है वो हमेशा नेगेटिव होता है। एक वाला फॉर्मूला बोलेंगे, वो ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई इंटू वन प्लस आई, ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू का ऑर्डर, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आई टू द पावर माइनस एन माइनस वन डिवाइड बाई, और इसका हो जाएगा ड्यू का ए इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आई टू द पावर माइनस एन माइनस वन डिवाइड बाई इंटू वन प्लस आई। अब मैं आता हूं इनके ट्रिक की तरफ से। सिंपल, मैंने ट्रिक को कोई ज्यादा तामझाम नहीं किया है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बड़ा ही आसान, शानदार, जानदार, मजेदार किया है। उससे नॉर्मल तरीके से बोर्ड मास रूल के सबसे सॉल्व कर दिया है। सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करके उस तरीके से क्या किया, वन प्लस आई इंटू इक्वल टू टू पावर एन था तो कैलकुलेटर में कहां तक जाते हैं? कैलकुलेटर में जाते हैं एन प्लस वन तक। क्यों भैया? कैलकुलेटर बेसिक ट्रिक में सिखा चुका हूं, ये बातें मत करो। अगर चाहिए तो एक कैलकुलेटर ट्रिक की अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ कि भैया हमें एक कैलकुलेटर ट्रिक की और वीडियो चाहिए, मैं बना दूंगा। पर ये मैं बता चुका हूं एन प्लस वन क्यों, एन प्लस टू क्यों। ठीक है, चलिए वन प्लस आई, ठीक है एकदम सिंपल क्वेश्चन है, वन प्लस आई इंटू इक्वल इक्वल टू एन प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाय आई इंटू पी, करेक्ट, इंटू वन प्लस आई कर देंगे ड्यू के केस में। सही बात है। अच्छा यहाँ पे क्या किया, वन प्लस आई क्योंकि माइनस वन था, माइनस एन था तो डिवाइड इक्वल्स टू, डिवाइड के केस में एन प्लस टू तक जाते हैं तो एन प्लस टू तक गए, यहाँ पर जी टी इंटू पी। ओके सर का सेम, वन प्लस आई डिवाइड इक्वल्स टू एन प्लस टू जी टी इंटू पी इंटू वन प्लस आई क्योंकि ड्यू में वन प्लस आई होगा। सर हमारे कैलकुलेटर में जी टी नहीं है, लाइफ में जीए फोन हो कैलकुलेटर में जी टी होना जरूरी है, मगर ऐसे केस में माइनस वन डिवाइड बाय आई कर सकते हो, लेकिन माइनस वन डिवाइड बाय करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। सर क्यों? क्योंकि भैया ये नेगेटिव है ना, हमारी जेब से पैसा जा रहा है, आ नहीं रहा है तो नुकसान है, मगर स्टिल मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, एक बात और, प्रिंसिपल मतलब इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट देके रखिए तो इंटू पी करते हैं, अगर अमाउंट देके रखा है तो डिवाइड इक्वल्स टू अमाउंट इक्वल्स टू, मतलब सारी प्रोसेस सेम, डिवाइड आई तक सेम, उसके बाद इंटू पी की जगह करते हैं डिवाइड इक्वल्स टू अमाउंट इक्वल्स टू, बस इतनी सी बात है। हाँ सर समझ में आया। अब सर बिना क्वेश्चन के तो समझ में आएगा ही नहीं, अभी इजी क्वेश्चन ले रहा हूं। प्रिंसिपल है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम है 9 साल, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एंड ड्यू, दोनों एक ही क्वेश्चन में निकालेंगे। आइए सर का आओ ध्यान देंगे, चलो बहुत ही सिंपल है। यस सरकार, क्या करेंगे? फॉर्मूला वन प्लस आई, आई क्या होता है? आर डिवाइड बाय 100। भैया
ये सब तो आपका आता होगा ना प्रभु, ऐसा मत करिए, गरीब आदमी को डराइए मत। चलिए आई क्या होता है सर? आई होता है आर डिवाइड बाय 100। तो भैया 8 डिवाइड बाय 100 हो गया 0.08, प्लस 1 करेंगे करेक्ट तो हो जाएगा 1.08। सॉल्यूशन कर रहे हैं, कैलकुलेटर पे करेंगे 1.08 इनटू इक्वल्स टू अप टू एन प्लस 1, एन दिया 9 तो जाएंगे 10 तक, माइनस 1 डिवाइड बाय 0.08 इनटू 2000 मेरे साथ करो 1.08 इनटू इक्वल्स टू 10 बार तक जाते हैं। हर कैलकुलेटर अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं जब 10 बार तक जाओगे आपके कैलकुलेटर में वैल्यू आएगी 1.9900 समथिंग, ठीक है? हां सर, माइनस 1 डिवाइड बाय 0.08 इनटू 2000 तो वैल्यू आ रही है 24975। सर एक बार थोड़ा सा स्लो करें क्या? बिल्कुल स्लो करेंगे सर। वीडियो में आपको कैसे मालूम स्लो करना है? अरे भैया हमको सब समझ में आया, चलो तुमको आया कि नहीं आया कमेंट करके जरूर बताना। चलो आओ वापस से करेंगे 1.08 इंटू इक्वल्स टू अप टू 10 टाइम्स तक, जब तक कैलकुलेटर के टॉप में 10 ना आ जाए। वैल्यू आ रही है 1.9900 करेक्ट, माइनस 1 डिवाइड बाय 0.08 इंटू 2000 आपका आंसर आ रहा है 24975। ये है मेरा ऑर्डिनरी। अगर इसी में ही इंटू 1.08 करता हूं तो मेरा ड्यू आ रहा है 26973। वो मेरे को भी नहीं आता तो बोलने में दिक्कत होती है। चलो मतलब ड्यू निकालो इंटू 1+i कर दो, ऑर्डिनरी आ जाएगा करेक्ट, सिंपल। हाँ सर अब वीडियो को पॉज करके आपको लिखना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी। सर एक अमाउंट वाला क्वेश्चन करवा देते हो मजा आ जाता मां कसम, तो आज अब करवा देता हूं। अमाउंट है मान लो 1,00,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 8% नहीं लूंगा 6%, टाइम है मान लो 5 साल, फ्यूचर वैल्यू और ऑर्डिनरी का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल यानी इंस्टॉलमेंट पता लगाओ। तो भैया अब सेम क्वेश्चन, आई तक सेम जाएंगे बस बाद में चेंज होगा। आओ 6 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 दैट इज 1.06, 1.06 इनटू इक्वल्स टू अप टू हमें बोला गया है 5 तक जाना तो हम 6 तक जाएंगे, माइनस 1 डिवाइड बाय आई। क्या कोई बदलाव किया मैंने? नहीं किया। अब इनटू पी की जगह करेंगे डिवाइड इक्वल्स टू 1,00,000 इक्वल्स टू, स्लो करवाऊंगा साथ में करेंगे 1.06 इंटू इक्वल्स टू 6 बार तक गए, हाँ सर गए, वैल्यू आ रही है 1.338225 करेक्ट, माइनस 1 डिवाइड बाय 0.06, ठीक है अब इंटू भी नहीं कर रहे, कर रहे डिवाइड, डिवाइड दबाते से वैल्यू आ रही है 1.63 इक्वल्स टू 1,00,000 इक्वल्स टू, तो आपका आंसर आ रहा है 17739.6। चलो वापस से बोलो सर, वापस से आओ 1.06 इंटू इक्वल्स टू 6 बार तक जाएंगे, माइनस 1 डिवाइड बाय 0.06 डिवाइड इक्वल्स टू 1,00,000 इक्वल्स टू, आंसर आ रहा है 17739। अभी मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं, वरना यहां पर मैं आपको बताता कि इसे इंटू 5 करो और इंटरेस्ट पता लगाओ कितना मिल रहा है, अभी नहीं बता रहा। मैंने आपको बताया कि भैया ये सब बातें हम प्लस क्लास में करते हैं, अगर आप प्लस क्लास लेना चाहो तो कोड यूज कर सकते हो जेडी सर, एंड उस पर आपको जो भी होगा उस समय का बेस्ट ऑफर मिल जाएगा 10-20 व्हाटएवर अवेलेबल एट दैट टाइम, आपको बेस्ट डिस्काउंट उस केस में आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, अभी मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं, कंसेप्ट बहुत सारे इसके अंदर भी, ठीक है? पर ट्रिक यही है, कंसेप्ट मतलब ट्रिक यही होगी क्वेश्चन कुछ भी बदल जाए। आप अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लोगे कोड यूज करो JDSIR जेडी सर, सिंपल, ठीक है? चलिए सर एक प्रेजेंट वैल्यू का भी करवा देते तो मजा आ जाता, आओ करवा देता हूं। मान लो प्रिंसिपल है 5,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है पता नहीं क्यों 8% लिखा था, टाइम है 8 साल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी पे लगा लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ड्यू पे पता लगा लो। चलो करें
देखो लाइफ में जीए फोन हो कैलकुलेटर में जीटी लेना ही पड़ेगा आप लोगों को। चलो 7/100 हो जाएगा 0.07 प्लस 1.07 डिवाइड इक्वल्स टू अप टू एन प्लस 1 मतलब कब तक जाएंगे 8 बोला है तो एन प्लस 2 डिवाइड इक्वल्स टू में दोबारा जाता है एन प्लस 2 जीटी इंटू पी। सर मैं पता है आपको ऐसे लिख के क्यों दे रहा हूं कि लिख के भी दे दिया, जिसको कैलकुलेटर पे स्लोली करना है वो हर बटन को यहां पे देख सकता है, मैंने हर बटन लिख के दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए 1.07 डिवाइड इक्वल्स टू अप टू 10 टाइम्स तक जाएंगे, जैसे 10 बार तक जा रहा हूं मेरी वैल्यू आ रही है 0.582009 समथिंग करेक्ट। हो सकता है किसी की एक आधी बार ऊपर नीचे हो क्योंकि सबका कैलकुलेटर अलग अलग होता है, इसलिए तो मेरी कंपनी का कैलकुलेटर आता है। बट एनीवेज 1.07 डिवाइड इक्वल्स टू एन प्लस 2 10 टाइम तक जाएंगे, दबाएंगे जीटी, जीटी दबाने पे वैल्यू आ रही है 5.971 जो भी आ रही है इनटू 5000, तो आपका आंसर हो गया 29,856। जो इसकी जगह -1 डिवाइड बाय आई कर रहे होंगे उनका आंसर -29,000 समथिंग आ रहा होगा। ठीक है सर, एक और बार 1.07 डिवाइड इक्वल्स टू 10 टाइम्स तक किया, जीटी दबाया इनटू 5000, अब करो इनटू 1.07 तो भैया मेरा आंसर आ रहा है 31,946। मगर 10 रुपए तक का डिफरेंस अलाउड है तो ये हो सकता है 31,950 हो सकता है। ये ट्रिक मैं क्लेम करता हूं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक एवर फॉर एन्यूटी, एंड आपने कहीं से भी पढ़ा हो किसी से भी पढ़ा हो यू कैन यूज दिस ट्रिक एट डेफिनेटली लेवल। मैं इसके ऊपर कुछ वीडियोस भी लेके आने वाला हूं, लेकिन जिस प्रकार की कमेंट होती है उस प्रकार का कंटेंट होता है, तो हम कमेंट से ही कंटेंट बनाते हैं। तो भैया आप अगर चाहोगे कि भैया एक पूरा सेशन ले आओ तो विल ब्रिंग अ सेशन, जो आप कमेंट करोगे हम वही करेंगे क्योंकि भैया होता वही है जो आप लोग चाहते हो। तो आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूंगा, ये थी ट्रिक, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलता है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते चलो, बाय बाय, बाकी यूज को जेडी सर।